क्या हो जाए इससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, और जब आप प्रश्नावली के क्वेश्चन करें तो क्या हो जाए आपके लिए इजी हो जाए करना। तो ये सारे क्या है आज के हमारे टॉपिक्स है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है। फर्स्ट हमारा चर। चर किसको बोलते हैं? चर वही संख्याएं होती है जो क्या होती है चेंज होती रहती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है, वो क्या होती है हमारी चर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई इक्वेशन देखते हैं 4x² + 3x + 2 = 0, तो इसमें जो ये x होते हैं ये क्या होते हैं हमारे चर, जिसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या हो वेरी करे, वेरी मीन्स चेंज होती रहती है, वो क्या होती है हमारी चर। और देखते हैं अचर क्या होते हैं। इसमें क्या है, इस इक्वेशन में ये जो 4, 3, 2 ये सारे क्या है इसकी फिक्स वैल्यू, और जो वैल्यू क्या हो फिक्स हो उसको क्या कहते हैं हम अचर। तो जैसे कि आपने ये एग्जांपल देखा तो ये क्या हो गए इसमें हमारे चर और ये हो गए हमारे अचर। तो जो भी हमारी एक्स वाई जेड इन सब की जो हम वैल्यू उसको फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, उनमें कभी 2 आती है कभी 3 आती है, यानी कि वैरी करती है, इसीलिए वो है अचर। और जो इसके गुणांक में होते हैं चर के गुणांक में वो क्या होते हैं हमारे अचर, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। थर्ड टॉपिक क्या हुआ, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कौन से होंगे जो क्या हो सकते हैं चर और अचर को साथ में लिखते हैं, वो भी क्या होते हैं बीजीय व्यंजक, यानी कि अगर हम चर की मल्टीप्लाई करें अचर के साथ तो ये क्या मिलेगा हमारा बीजीय व्यंजक। अगर मानते हैं हमारा चर क्या है एक्स और अचर क्या है 2, और इन दोनों की हमने कर दी मल्टीप्लाई, तो ये क्या है 2x, तो ये क्या हुआ हमारा बीजीय व्यंजक। अब क्या पूर्ण संख्या जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये क्या होती है हमारी पूर्ण संख्या है। ये मैं यहाँ क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम इसमें इसका यूज करने वाले हैं कि पूर्ण संख्या है क्या होती है। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद जिसमें क्या होता है जिसमें क्या हो चर की पावर, यानी कि चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो, क्या होते हैं हमारे बहुपद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 4 और ये क्या है x, x के ऊपर अब क्या है कोई पावर नहीं है ना, यानी कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती सपोज करते हैं हम वहां क्या है 1, और 1 क्या होती है पूर्ण संख्या, तो यानी कि ये क्या है हमारा बहुपद है। और अगर मैं लिख दूं 4 और ये क्या है रूट एक्स, अब रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं 4x की पावर 1/2, अब जो इसकी घात है ये क्या है 1/2, 1/2 है पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये हमारा बहुपद है और ये क्या हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं पॉलीनोमियल्स। ओके अब देखते हैं बहुपद के पद, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में मुझसे एक बार पूछ लेंगे। ओके बहुपद के पद कौन से होते हैं, अगर यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर क्या है कोई इक्वेशन लिखी है 3x² 4x + 3, तो इसमें क्या है तीन पद, कैसे हमारा ये क्या है फर्स्ट पद, ये क्या है सेकंड पद, और ये क्या है थ्री तीसरा पद, तो ये क्या है इसके पद, तो हम इसमें क्या बता सकते हैं कि इसमें बहुपद के पद कितने हैं, यानी कि 3 है। और अगर किसी इक्वेशन में 4x + 3 हो तो इसमें बहुपद के पद कितने होंगे 2। और एक होता है बहुपद की घात, आपसे पूछते हैं बहुपद की घात क्या है तो कैसे बताते हैं, ये 3x² है इसमें जो हमारी मैक्सिमम घात है वो कितनी है 2, तो इसमें क्या लिख देते हैं कि इसमें क्या है 2 बहुपद की घात है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद के प्रकार, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके प्रकार किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, दो टाइप्स के होते हैं कैसे,
एक होता है पदों की संख्या के आधार पर और एक होता है उसकी घातों के आधार पर। पदों की संख्या आपको बता दिया मैंने, ये होता है। तो जो हमारे एक पद वाले होते हैं जैसे कि 4x, इसमें सिर्फ एक पद है तो ये क्या होगा हमारा एक पद ही, जिसको हम रैखिक भी बोलते हैं और इंग्लिश में लीनियर भी बोलते हैं। अब क्या हमारा द्वी पद यानी कि 2x² + 4x, तो ये क्या हमारा इसमें दो पद है, तो ये क्या हो गया द्विपद यानी कि द्विपद। इस इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और ये क्या है त्रिपद, त्रिपद यानी कि जिसमें क्या हो तीन पद हो इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारे त्रिपद और इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक। ये क्या है रैखिक द्विपद त्रिपद यानी कि पदों के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। और हम लोग किसके आधार पर डिवाइड करेंगे घातों के आधार पर। ओके अब नेक्स्ट क्या हमारा बहुपद की घाते, जो हमने लास्ट पढ़ा था उसमें क्या था पदों के आधार पर पढ़ा था और ये क्या हमारा घातों के आधार पर। जैसे कि ये क्या है 2x³ + 3x² + 4x² + 3=0। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो मैक्सिमम घात है वो क्या है हमारी 12, तो जो 12 है वो ही क्या हो गई इस बहुपद की घात, जो मैक्सिमम होती है वो ही क्या कहलाती है उसकी घात। तो इसी आधार पर देखते हैं ये कितने प्रकार के है, तीन प्रकार के, जैसे लास्ट थे हमारे रैखिक द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक बहुपद कौन सा होगा, जैसे कि ये क्या हमारा 4x, इसके ऊपर कितनी पावर है 1, तो ये क्या हमारा रैखिक बहुपद। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4x + 1, अभी भी क्या है हमारे इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 1, तो ये क्या हमारा रैखिक बहुपद। द्विघाती या द्विघात बहुपद कौन सा होगा, द्वि का मीन्स क्या होता है 2, तो जिसकी 2 घातें होंगी वो क्या होगा हमारा द्विघाती यानी कि 3x² + 4x + 2। इसमें हमारी जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2, तो ये क्या होगा हमारा द्विघाती बहुपद। और एक एग्जांपल लेते हैं इसका 2t² + 9, इसमें भी अभी भी क्या है हमारी मैक्सिमम जो घात है वो कितनी है 2, तो ये भी क्या आएगा हमारा द्विघाती बहुपद। अब देखते हैं त्रिघात को, 3 का मीन्स 3, तो जिसकी 3 घातें हो वो बहुपद, तो क्या है वो हमारा 3x³ + 4x² + 3x + 2। अब इसमें क्या पद तो 4 है लेकिन जो घात है वो तो 3 ही है ना अभी भी, तो इसीलिए ये क्या होगा त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही इसमें पद नहीं देख रहे हमें, यहाँ पर क्या देखनी है सिर्फ और सिर्फ घात देखनी है कि घात कितनी होनी चाहिए 2 या घात 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद, क्योंकि यहाँ पर क्या पावर 3। इसको एक तरीके से और लिख सकते थे 2t³ + 3t² + 1। अभी भी इसमें क्या पावर जो है 3 और पद भी क्या है 3, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर घात देखनी है। जब आपसे बहुपद के पद पूछे तो क्या करना है आपको पद काउंट करना है, और जब आपसे घात के आधार में पूछे तो आपको क्या करना है घात को देखना है। ओके नेक्स्ट है हमारा पद का गुणांक, जैसे कि पद का गुणांक क्या होता है, गुणांक का मीन्स जो उसके गुणा में हो। तो कुछ इक्वेशन लेते हैं 3x³ + 2x² + 4x + 2=0। तब आपसे पूछे इसमें कि x³ का गुणांक क्या है, हम क्या लिखेंगे x³ का गुणांक क्या है इसमें हमारा x³ के साथ आपको देखना है x³। ये x³ के अलावा जो भी हमारे यहाँ पे बचेगा वो क्या होगा उसका गुणांक, तो x³ का गुणांक कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही आपसे अगर पूछता x² का गुणांक तो आप क्या करते, x² को क्या कर लो एक सर्कल, और अब हमारे पास क्या बचा सिर्फ 2, जो भी इसको छोड़ के यानी कि जो आपसे पूछा उसको लगा लो सर्कल,
और जो भी पार्ट बच गया वो ही क्या उसका गुणा, और हमारे यहाँ क्या बचा टू, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा टू। अगर ऐसे आपको क्या पूछते एक्स का गुणांक तो आप क्या लिखते फोर। ओके अब क्या हमारा शेषफल प्रिम है, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कौन सा, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ये इसका क्या है फॉर्मूला शेषफल प्रमेय का। कैसे होगा ये, जैसे कि आप कोई भी नंबर लिखते हैं डिवाइड में, थ्री डिवाइड करना है सिक्स है, तो ये क्या होता है हमारा थ्री टू का सिक्स, ये क्या है हमारा यहाँ पर भाज्य, और ये क्या है भाजक, जिससे आप भाग दे हो गया भाजक, और भागफल क्या हमारा ये, और ये क्या हमारा शेषफल। तो इस भाग के लिए ये क्या होता है फॉर्मूला। ओके तो आपको ये आगे प्रश्नावली में आने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, याद करना आपको। ये क्या हमारा गुणनफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय में क्या करना है आपको, जैसे कि कोई इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको आपको कहा जाएगा हल करें, तो इसको आप कैसे हल करेंगे गुणनखंड प्रमेय से। इसमें हम क्या करते हैं इन दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जो x स्क्वायर के साथ है और जो यहाँ पर है यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2, ये क्या है हमारा 8। अब 8 को आपको इस तरीके से तोड़ना है, क्या प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आए। ओके जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या आ गया हमारे मल्टीप्लाई में 8। तो आप कैसे फाइंड करेंगे 8 का एलसीएम लेके, जब आप 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2, तो हम क्या कर सकते हैं 2 × 2 = 4, अगर 4 में 2 माइनस करें तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2 = 8, तो यानी कि 4 और 2 इसकी गुणनखंड नहीं है। आपको अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 2, तो अब ये क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा, कैसे होगा, अगर मैंने लिखा था 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस 2 = 0, हमने इसको गुणनखंड लिया, बस आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसका एलसीएम लेना है और उसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है जैसे मैंने ये किया, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने के बाद 2 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आंसर। अब क्या हमारे बीज सब समीकरण, ये क्या होती है हमारी, जैसे कि आपने फॉर्मूले पढ़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो भी हमारे सारे फॉर्मूले है वो क्या है हमारे बीज सब समीकरण। तो ये मैं आपको इसमें नहीं बता रही, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की, अलजेब्रा फॉर्मूले के नाम से, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके अब ये क्या है इसके कुछ उदाहरण है। ओके इसमें क्या बताना है ये बहुपद है या नहीं है, तो देखते हैं बहुपद की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, जिसकी घात में क्या हो पूर्ण संख्या में हो वो क्या होते हैं हमारे बहुपद। तो इसकी घात को क्या करते हैं चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर ये क्या हमारे यहाँ पर घात क्या है 2, और 2 क्या होती है पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संख्या, तो ये क्या हुआ हमारा बहुपद है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं राइट बहुपद है। अब क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स के अंदर क्या हमारा है रूट में, तो एक्स स्क्वायर में तो 2 क्या पूर्णांक है, लेकिन जो ये एक्स है रूट में इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, अब ये क्या हमारा पूर्णांक नहीं है 1/2, तो इसीलिए ये क्या होगा बहुपद नहीं होगा। अब 2 देखते हैं बहुपद है या नहीं, 2 क्या है बहुपद है, क्यों, क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0, और 0 क्या है हमारा पूर्णांक है, और x की पावर 0 किसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो
क्या हमारा बहुपद है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे फाइव, माइनस फाइव, माइनस फाइव को भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर जीरो के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हमारा बहुपद है। अब क्या फोर एक्स की घात क्या नीचे तीन पूर्णांक है, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और यहाँ पे क्या है प्लस वन। अब माइनस थ्री क्या पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये बहुपद नहीं है, जिसकी घात पूर्णांक नहीं है वो बहुपद नहीं है। सेम ऐसे इसको करेंगे एक्स प्लस ये प्लस क्या वन पावर, ऊपर क्या हो जाएगी जाके माइनस वन, अब ये क्या पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जो क्या लेंगे हम जीरो का, तो जीरो क्या है एक बहुपद है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में है, क्यों है, इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। ठीक है हमारा शून्य बहुपद, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम जीरो एक्स की पावर जीरो के रूप में लिख सकते हैं, तो सीन तो क्या हो गया हमारा शून्य भी क्या है हमारा बहुपद है, और जो हमने लिखा था अभी फाइव एक्स की पावर जीरो, तो ये क्या था हमारा फाइव एक्स की पावर जीरो किसकी इक्वल है वन के इक्वल, तो ये क्या आ गया हमारा फाइव, तो ये कैसा बहुपद होगा हमारा अचर बहुपद। और अगर एक एग्जांपल ले हम 2x, तो ये भी क्या हमारा बहुपद है क्योंकि x की पावर क्या है 1, तो 2x क्या है हमारा चर बहुपद, तो ये क्या ले लिया मैंने इसके कुछ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।